दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन के बाद सबसे पहले क्या करना, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो हमेशा हम आपको बोलते हैं एकदम बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है इसको दबा देना है और पास में इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, वीडियो संपूर्ण देख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को, यार चलते हैं इमीडिएट डैशबोर्ड में और आपको बताते हैं क्या नोटिफिकेशन आया और किस तरह से उसको यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इमीडिएट नोटिफिकेशन पे आ जाना, और तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिय कियोस्क राज्य कर्मचारी केंद्र कर्मचारी व अन्य सामाजिक सुरक्षा के अलावा के लिए जीवन प्रमाण पत्र की सेवा ई मित्र पोर्टल प्रारंभ कर दी गई। इसलिए निम्न लिंक से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करके इस सेवा का उपयोग करें। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया जो जीवन प्रमाण पत्र है उसको आपको यहाँ पे देना, मान लीजिए सरकारी और केंद्र राज्य सरकार के जो जो रिटायर हो चुके कर्मचारियों की जो पेंशन आती है उनके लिए उनको बैंक में जो ये पेंशन जीवन प्रमाण पत्र है वो वहाँ पे जमा करवाना पड़ता है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो URL है इसको आपको कॉपी करना है और कंट्रोल V से न्यू टैब खोल के यहाँ पे इसको डाउनलोड आप जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम इंस्टॉल करके भी आपको बताएंगे किस तरह से पूरा प्रोसेस इस वीडियो में होने वाला है। तो इस तब तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो इस वीडियो को हम थोड़ा पॉज कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, तो हम पीसी में जाके उसको जिप फाइल उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए इन चीज़ों को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इस पर आपको क्लिक करना और एक्स टू हेयर पे आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करके इसका जो जो फाइल वो अलग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जीवन 2020 करके आ गया, तो इसको क्या करना है यहाँ पे जो ई मित्रा जीवन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो प्रूफ पर देखिए ताकि आपको पूरा यहाँ पे सिस्टम को पता चले। तो इस तरह का स्क्रीन आएगा, इसका आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको जिसको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलिंग जीवन प्रमाण, तो यहाँ पे ये प्लीज वेट करके अगर आपको वेट कर देना तब ये इंस्टॉल होता है। इसका हम थोड़ा वीडियो को, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जीवन प्रमाण पत्र हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन क्लिक क्लोज द एग्जिट। तो हम यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने किया दोस्तों यहाँ पे हो चुका है, तो आप देखिए हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे बाहर आप कंप्यूटर पे आ जाना। उसके बाद जो जीवन का ये जो लोगो आ जाएगा एन जीवन करके, तो यहाँ पे इसको आपको ओपन कर लेना। तो चलिए ओपन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे आप करोगे दोस्तों इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इस टाइप आ जाए, तो सबसे पहले क्या करना आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करो दोस्तों यहाँ पे ईमित्र आईडी एंड पासवर्ड, तो आपको अपना एसएसओ आईडी यहाँ पे पासवर्ड डाल देना। तो चलिए दोस्तों हम अपना यहाँ पे एसएसओ आईडी पासवर्ड डाल लेते हैं। उसके बाद में जो आपका एसएसओ आईडी का जो पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे बता रहा है लॉगिन सक्सेसफुली, तो हमारा लॉगिन यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे आता है जीवन प्रमाण, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जीवन प्रमाण पे क्लिक करोगे तो विंडो यहाँ पे कुछ यस का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको यस क्लिक करते हैं रनिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर को। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे वेट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों यहाँ पे जीवन प्रमाण पर्सनल लाइफ सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे लैंग्वेज भी क्लिक हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हो, हम यहाँ पे इंग्लिश रखेंगे। उसके बाद आधार आईडी, तो आपको क्या करना फर्स्ट आपको ऑपरेटर आपको लॉगिन करना है, ई मित्र आधार के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपको लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना, अपना जो आधार संख्या वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। आधार संख्या डालने के बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पे टाइप कर सकते हो, और उसके बाद में नीचे ईमेल आईडी आती है वो भी आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेते हैं। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये ई मित्र यूजर को पहले प्रोसेस करना है, उसके बाद में ऑपरेटर को कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद में जनरेट ओटीपी आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको ओटीपी डालने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो चलिए हमारे यहाँ पे ओटीपी आ चुकी है। तो वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबा हो सकता है, लेकिन प्रोसेस आपको पूरा इजी और पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं बताऊंगा। जैसे हम ओके पे क्लिक किया दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटर नेम डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पे ऑपरेटर नेम यहाँ पे डाल सकते हो, आप अपना नेम डाल देना। उसके बाद हम आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्कैन फिंगर पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे स्कैन फिंगर क्लिक के बाद अपना यहाँ पे फिंगर दे देना है आपको, और जैसे हम फिंगर देंगे तो यहाँ पे ऑपरेटर एथोटिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है, तो ओके पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करो तो आपका ओटीपी जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। तो फिर से हम ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पे, यार फिर से आपको अपना यहाँ पे आधार डाल के एक बार फिर से आपको इसको लॉगिन करना है। तो चलिए इसको यहाँ पे फिर से क्लोज करते हैं। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, फिर से यस पे बोल रहा है तो आपको इसको अलाउ करते जाना है। और उसके बाद में जो यहाँ पे आता है वो
पेंशनर का एथोटिकेशन आता है। तो यहाँ पे देखिए जीवन प्रमाण पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन एथोटिकेशन पहले आ रहा था तो वो ऑपरेटर का आ रहा था, यहाँ पे देखिए पेंशन भोगी प्रमाणकरण। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो पेंशन भोगी होगा उनका आप यहाँ पे डिटेल डाल देना। तो एक बार डेमो के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे मेरा ही मैं यूज करके देख लेता हूँ, उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। जो जो पेंशन सत्यापन के लिए आएगा उसका आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ईमेल आईडी की जरूरत नहीं। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर आप डालोगे पेंशनर का उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करो दोस्तों यहाँ पे पेंशन का आपको नाम डालना, फिर पेंशन क्या टाइप है वो आप ले लेना, आपको ईपीएस 95 है या ये आपको उससे पूछ लेना जो आपके पास वेरिफिकेशन करवाने आएंगे, तो उनमें से आपको कौन सा इनका है, जो आईटीआई कानपुर है जो भी है वो आपको सिस्टम यहाँ पे पूरा ले लेना। उसके बाद यहाँ पे पीपीओ नंबर अकाउंट नंबर डालना है जो पेंशन का। तो यहाँ पे बता रहा इज री एम्प्लॉयड, अगर वो उसने वापस रीएम्प्लॉयड है तो आपको यस करना था, नो कर देना। आई रीमैरिड है तो यहाँ पे यस या नो करना। उसके बाद यहाँ पे टिक पे क्लिक करके स्कैन करना। जैसे आप स्कैन वगैरह करोगे तो इनका जो पीपीओ पेंशन है वो यहाँ पे जारी हो जाएगा, लाइफ जो जीवन प्रमाण पत्र वो सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद मतलब रीसेंड फॉर्म डीएलसी, इस पर आप क्लिक करो दोस्तों। इसके अंदर जो नए बने वो आप ले सकते हो, यहाँ पे आधार नंबर से सर्च करके यानी उसको री स्कैन करना यानी प्रिंट करना, वो आप डीएल यहाँ पे निकाल सकते हो। उसके बाद रीप्रिंट रिसिप्ट, अगर रिसिप्ट आपको निकालनी है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। दोस्तों इसमें आप इतना ही यहाँ पे कर सकते हो, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता दिया। और मित्रों आपको वीडियो जानकर पसंद आएगा, ये वीडियो जानकर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट में और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।